खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव प्रखंड के बुद्धूचक गांव में अजब प्रेम की गजब कहानी उस वक्त देखने को मिली जब एक 25 वर्षीय शादीशुदा महिला अपने दूसरे पति के साथ भागलपुर व्यवहार न्यायालय में हाजिर हुई और अपने पहले पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात करते हुए दूसरे पति के साथ रहने की इजाजत न्यायाधीश से मांगी। दरअसल महिला ने 2013 में अपने पहले पति यानी कि मनोज शर्मा से प्रेम विवाह किया था, लेकिन ये प्रेम विवाह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। दोनों के संबंध में खटास आने लगी, जिसके बाद महिला धीरे धीरे अन्य युवक यानी कि सुमन के नजदीक आने लगी और दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। और फिर 16 फरवरी 2021 को दोनों ने घर से भागकर धनकुंड मंदिर में शादी रचा ली और महिला अपने दूसरे पति सुमन के साथ मुंबई भाग गई, जिसके बाद सुमन के पिता दिनेश ठाकुर ने अपनी पुत्री के अपहरण का मामला बुद्धूचक थाने में दर्ज कराया। पुलिसिया कार्रवाई होता देख महिला अपने दूसरे पति के साथ भागलपुर व्यवहार न्यायालय पहुंची और उसके साथ रहने की बात कही। इस संबंध में अधिवक्ता डॉ. पवन कुमार शाह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अब पक्ष ये तो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है एज ए लॉयर कि वो जो नए हस्बैंड हैं जिनके साथ इन्होंने शादी की है, क्या नाम हो, सुमन कुमार, तो इनका तरफ ही रहेगा, इसलिए कि चूंकि जब वो पूरा दांव पे खेल गए, अपनी लाइफ को लगा दिए हैं, तो बयान तो इनके पक्ष में देना ही चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो इसी पक्ष में देंगे। आपका